व्यापम घोटाले की जांच की आंच में फंसकर अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की कुर्सी संकट में पड़ गई है। माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के बाद केंद्र उन्हें वापस बुलाने का फैसला कर सकता है। मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव के खिलाफ व्यापम घोटाले में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। आरोप है कि राज्यपाल और उनका दफ्तर इस घोटाले में शामिल रहा है और जांच में STF ने उन्हें आरोपी नंबर 10 बनाया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस देकर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। CBI को मॉनिटरिंग करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में CBI को नोटिस जारी किए हैं। CBI इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग उसके बाद करे या नहीं। जहां तक बात हमारे पॉइंट्स की थी तो वो सब सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है उन सभी चीजों को। CBI का ऑर्डर भी किया है पूरा केस, और ऑब्वियसली मेरी पिटीशन भी एक पार्ट ऑफ व्यापम ही है, तो इट विल गो डायरेक्टली टू द CBI। इस घोटाले के एक और आरोपी वीरपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 10 उम्मीदवारों को सरकारी टीचर बनाने के लिए राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव को राजभवन में 3 लाख रुपए दिए थे। STF ने जांच के बाद बाप और बेटे दोनों को आरोपी बनाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पद पर रहते हुए गवर्नर के खिलाफ जांच नहीं हो सकती। वे गलत संगत में पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संगत में पड़कर उनको ये दिन देखना पड़ा है। मैं उनके प्रति संवेदना तो व्यक्त करूंगा, लेकिन अपील करूंगा बाबूजी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि STF उनके बेटे शैलेश यादव से पूछताछ करने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उससे पहले इसी साल मार्च में वो लखनऊ में मौजूद अपने आवास में मृत पाए गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख से गवर्नर की छुट्टी तय लग रही है। बड़ा सवाल है कि वो खुद इस्तीफा देकर राजभवन से रुख्सत होंगे या केंद्र सरकार उन्हें हटा देगी। समय के लिए नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।